हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9th जो है आपका वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कल जहां तक करवाया था उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जांपल्स। ओके, उसी तरह से है इनवर्स वगैरह करके। तो इसमें एग्जांपल क्या है, यूज द प्रोडक्ट वन माइनस वन टू 4 माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2 टू सॉल्व। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस में 3z इज इक्वल टू 9 माइनस x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 4 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन समझिए क्या है, यूज द प्रोडक्ट, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके फिर उस प्रोडक्ट को यूज करके हमें टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है कि मैट्रिक्स इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर दो, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने के बाद ये सॉल्व करना है। अब हम सोचेंगे प्रोडक्ट करने के बाद कैसे सॉल्व होगा, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमारे पास या तो ये मैट्रिक्स मिलेगी या ये मैट्रिक्स मिलेगी या हो सकता है इनमें से किसी का ट्रांसपोज मिल जाए, या तो ये वाली मैट्रिक्स है या ये वाली मैट्रिक्स है जो यहां से बनेगी, तब ये प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है, पहले इसका प्रोडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में, लेट कर देते हैं ये ए है ये बी है, ठीक है ना, ए बी प्रोडक्ट मान लेते हैं, वो फर्स्ट वाली ए है सेकेंड वाली बी है। प्रोडक्ट करेंगे इसका रो बाय कॉलम मेथड से, माइनस टू माइनस नाइन ट्वेल्व, फिर जीरो, फिर माइनस टू प्लस टू, नेक्स्ट वन प्लस में थ्री माइनस फोर, नेक्स्ट जीरो प्लस एटीन माइनस एटीन, नेक्स्ट जीरो प्लस फोर माइनस थ्री, जीरो माइनस सिक्स प्लस सिक्स, नेक्स्ट माइनस सिक्स माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी फोर, देन जीरो माइनस फोर प्लस फोर, देन थ्री प्लस सिक्स माइनस एट, देन नाइन टू इलेवन, ट्वेल्व माइनस इलेवन वन, जीरो जीरो। तो ए बी प्रोडक्ट हमें मिला वन जीरो जीरो, नेक्स्ट जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, ये आइडेंटिटी ही मिलेगा प्रोडक्ट। इस तरह के क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट आता है वो आइडेंटिटी ही आता है, साथ में कोई स्केलर अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे फोर 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 आ गया, तो क्या करो, मैट्रिक्स में से तो कॉमन आ ही सकता है, तो जीरो में से तो कॉमन निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करोगे आप, इसमें से फोर कॉमन निकालो, फोर 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 आया तो फोर कॉमन निकालो, फोर आइडेंटिटी बना दे, अगर आएगा तब बता रही हूं मैं, क्योंकि उसमें है एक्सरसाइज में क्वेश्चन, तो ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बन गया, बस एज इट इज छोड़ दो उसको, ठीक है ना। नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री जेड नाइन माइनस एक्स प्लस में टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू फोर, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री। नाउ अब हमें मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है, वैसे ही The matrix equation is, the matrix equation is, तो matrix equation जो इससे बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, अब यहां पे आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए वन जीरो थ्री, यहां कुछ मत लिखो अभी क्योंकि हमें नहीं पता ये a बनेगी या b बनेगी, तो पहले ऐसे लिखो बस, वन जीरो थ्री माइनस वन टू माइनस टू माइनस थ्री फोर, एक्स क्या आएगा, एक्स वाई जेड, और ये अब बी नहीं लिखना सी लिखना है क्योंकि बी नोटेशन आप ऑलरेडी दे चुके हो, एक दूसरी मैट्रिक्स है जो पहले उसको, तो इसको सी लिखना है, ठीक
ठीक है, कोई और नोटेशन हम इसको दे देंगे। समझ गए बात को? अब ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स 103 है, हमें टैली करना है कि ये वाली मैट्रिक्स जो बनी है वो पहले वाली मैट्रिक्स में से कौन सी वाली है। देखो यहां है 103, अब इसमें देखो, इसमें तो 103 नहीं है, 103 ऐसे नहीं है, तो ऐसे देख लो, मिल गया। रो में नहीं मिलेगा तो कॉलम में मिल जाएगा, मतलब ट्रांसपोज मिलेगा, या तो एज इट इज मिल जाएगा, एज इट इज नहीं मिला तो ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। अब ये तो होगी नहीं, 103 यहां तो है नहीं, तो इसी को देखते हैं। 103 -1, 2, -2, -1, 2, -2, ठीक है ना। तो ये ए है, यहां क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज 3 -2, 4, 3 -2, 4। तो मैट्रिक्स इक्वेशन बनी ए डैश एक्स इज इक्वल टू सी सी, बी तो यहां लिख रखा है, गलती से बी लिख दो, ए डैश एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर ए डैश ये रहा। अब बनाना है, पहले पता कर लो ये मैट्रिक्स क्या है, इनमें से ही मिलेगी, या तो डायरेक्टली ये मिल जाएंगी या इनका ट्रांसपोज मिलेंगी। अच्छा हुआ क्वेश्चन ये वाला मिल गया, अब आपको ये समझा दिया जाएगा इजिली, सिंपल वाला तो आप कर ही लेते, इनवर्स यहां से डायरेक्ट आ जाता। ओके समझ गए आप बात को। अब आगे हमें करना क्या है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट का यूज करना है, ये प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आया है, इसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। इसका निकालना नहीं है इनवर्स, कभी इनवर्स निकालने के लिए इसका करने लग जाओ, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, अभी इसको हमें ये मिल गया है ना, हम क्या लिखेंगे, बिकॉज मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, ए डैश एक्स इज इक्वल टू सी आई है। नाउ जो हमारे पास सॉल्यूशन है, यहां से x क्या निकलेगा, a डैश है, a डैश हटाना पड़ेगा x निकालने के लिए, x ही तो निकालना है। a डैश हटाने के लिए क्या करोगे, a डैश के इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, a डैश के इनवर्स से, a डैश के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लीकेशन डालोगे, a डैश का इनवर्स और a डैश, ये दोनों तो क्या बन गए, आइडेंटिटी। ए डैश एक मैट्रिक्स ही तो होती है, मैट्रिक्स का इनवर्स और खुद मैट्रिक्स आइडेंटिटी, और ए डैश का इनवर्स सी, तो एक्स आ गया ए डैश का इनवर्स सी। बट ए डैश का इनवर्स, क्या ए इनवर्स का डैश होता है, होता है ना, लिख दो ए इनवर्स का डैश और सी। अब तुम्हें करना क्या है, ए इनवर्स का डैश निकालना है, ए इनवर्स पहले, ए इनवर्स तो निकालो तभी तो उसका डैश निकलेगा। अब ए इनवर्स कहां से निकलेगा, इस वाली इक्वेशन से, जिसका भी इनवर्स निकालना हो, ध्यान से सुन लेना इन क्वेश्चंस में, जिसका भी इनवर्स निकालना हो, मान लो ए का या बी का, हो सकता है बी का इनवर्स भी निकालना हो, तो जिसका भी इनवर्स निकालना हो उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का निकालना है तो ए तो आगे है तो प्री मल्टीप्लीकेशन निकालो, बी का निकालना होता तो बी पीछे है तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते बी इनवर्स से। अब ए इनवर्स निकालना है ना, ट्रांसपोज तो हम बाद में कर देंगे उसका, इनवर्स निकालने के बाद ए इनवर्स निकालना है तो ए से, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो इसमें दोनों साइड, ठीक है ना, तो ए इनवर्स आ जाएगा। मान लो बी इनवर्स निकालना होता तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते बी इनवर्स से, तो बी इनवर्स आ जाता। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो इस प्रोडक्ट का यूज करके निकालना है, तो आप लिखोगे प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बना और ये ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई, निकालने लौटने अपने आप ही आएंगे इस तरह से। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, एक्स क्या है, ए इनवर्स की जगह बी लिख दो, उसका ट्रांसपोज और सी। अब क्या तुम बी का ट्रांसपोज नहीं कर सकते, बी मैट्रिक्स रही तुम्हारे पास, बी मैट्रिक्स ये वाली, इसका ट्रांसपोज कर दो डायरेक्टली, -2, 0, 1,
क्या मिलेगी हमें, बी मैट्रिक्स जो है -201 × -3 (6, 1, -2) समझ गए। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं ये क्वेश्चन दोबारा से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो यूज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले क्या प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। कई बार क्या होता है कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है वन के अलावा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आइडेंटिटी उसके साथ लग जाएगा। इक्वेशन लिखी, चेक करना पड़ेगा इससे जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो ए या बी या उनका ट्रांसपोज बन रही है। यहाँ भी बनी है ए डैश, तो पहले हमने लिखा फिर चेक किया फिर लिख दिया कि ट्रांसपोज बन रही। नाउ एक्स क्या आएगा, ए डैश का इनवर्स इनटू सी आएगा ना, क्योंकि इसको उस साइड लेके जाओगे। तो एक्स आ गया ए डैश का इनवर्स इनटू सी। अब ए डैश का इनवर्स तो ए इनवर्स का डैश होता है, तो ए इनवर्स निकालना। अब ए इनवर्स निकालने के लिए इसने बोला था यूज द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का यूज करो। अब इन्वर्स निकालना है जिसका, उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए का निकालना है तो ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई, बी का निकालना है तो बी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ए का निकालना है तो ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया, तो ए इन्वर्स आ गया बी। यहाँ लिखो ए इन्वर्स की जगह बी, बी मैट्रिक्स जो शुरू में हमने ए और बी मानी थी वो है, बी का ट्रांसपोज कर देना। सी, सी कौन सी मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स इक्वेशन में सी बनी थी राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई कर देना रो बाय कॉलम से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान से कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि स्टेटमेंट्स दिए होंगे आपको, आपको इसे इक्वेशंस बनाने हो फिर सॉल्व करना है। स्टेटमेंट सिर्फ मैं रीड आउट करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी नहीं, तो आप अपनी बुक से स्टेटमेंट अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल 14 है, मैं स्टेटमेंट सिर्फ रीड आउट करके इक्वेशंस बनाऊंगी, सिंपल है। देखिए द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, तीन नंबर्स है उनका सम 6 है, ठीक है ना। लास्ट में हमसे नंबर से पूछे गए हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, नंबर्स से पूछे गए हैं। अगर नंबर्स पूछे गए तो नंबर्स लेट कर दो, लेट द नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 हो गया। इफ द थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड एडेड टू द सेकेंड नंबर, एडेड टू द सेकेंड, ये फर्स्ट नंबर है सेकेंड है थर्ड, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, एडेड टू द सेकेंड, इट बिकम्स 11, इट बिकम्स 11। x नहीं है इसमें तो x नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है बाय एडिंग, ये स्टेटमेंट खत्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर को हमने ऐड किया, इट बिकम्स डबल ऑफ सेकंड, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड किया, इट बिकम्स डबल ऑफ सेकंड। तो ये क्या बन गया, x -2y + z = 0, ये बन गया। पहले इक्वेशंस बनानी है स्टेटमेंट पढ़ के। ओके, नाउ अब इसने बोला था रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली, इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मीनिंग होता है ऐसे ही इक्वेशंस लिख के दिखाओ, एंड फाइंड द नंबर्स, और ये तीनों नंबर्स फाइंड आउट करो यूजिंग मैट्रिक्स मैथड। मेंशन है यूजिंग मैट्रिक्स मैथड, दैट मीन्स बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन लगा दो सॉल्व कर दो, नो। ओके, समझ गए, ठीक है ना। तो एक मैं करके दिखा देती हूँ और सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। इक्वेशंस आर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, x + y + z = 6, y + 3z = 11 एंड x - 2y + z = 0। वैसे करना जैसे हम सिंपली तीन इक्वेशन दे रखे उनको सॉल्व करते हैं। द मैट्रिक्स इक्वेशन इज x = b, वेयर ए क्या है 1 1 1,
जीरो वन थ्री वन माइनस टू वन। एक्स क्या है एक्स वाई जेड एंड बी क्या है सिक्स इलेवन जीरो। नाउ पहले क्या चेक करना है डिटर्मिनेंट ए वन 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 जीरो वन थ्री वन माइनस टू क्या आएगा नाइन नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट जो कल करवाया था वही है एंड गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकाल लोगे आप वन अपॉन डिटर्मिनेंट एड ज्वाइंट करके कर लेना इसको मैं कंप्लीट अभी नहीं कर रही हूं आप खुद कर लीजिएगा। डायरेक्ट मैं बता देती हूँ इसमें क्या मिलेगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट एड ज्वाइंट ये मिलेगा वन अपॉन नाइन एड ज्वाइंट सेवन माइनस थ्री टू थ्री जीरो माइनस थ्री आपको कंप्लीट करना है डायरेक्ट नहीं करना ये मैं काफी बार एडजॉइंट निकाल चुकी हूँ आपको बता चुकी हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। वन बाय नाइन नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन आ गया ये तो आ गया वन टू थ्री एक्स वाई जेड तो नंबर्स आ गए हमारे पास एक्स वन वाई टू जेड थ्री। वैसे ही बस इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी ओके समझ गए ना स्टेटमेंट रीड आउट करो इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो नॉन जीरो ही मिलेगा डिटर्मिनेंट वही वाले क्वेश्चन करवाए अभी तक तो नेक्स्ट जो है मैं सिर्फ स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ इक्वेशन बना देती हूँ सॉल्व आप खुद कर लेना उनको इस मेथड से ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बना देती हूँ ये जो इक्वेशन बनेंगी ध्यान से सुनेगा। अ स्कूल वॉन्ट्स टू अवार्ड इट्स स्टूडेंट्स एक स्कूल है वो अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड देना चाहता है फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी For the value of honesty, regularity, and hard work. And hard work. एक स्कूल इन तीन वैल्यूज के लिए अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड देना चाहता है विद अ टोटल कैश अवार्ड ऑफ रुपीज 6000। टोटल जो मिला के इन तीनों के लिए अमाउंट दिया जाएगा वो 6000 रुपए दिए जाएंगे टोटल क्या दिया जाएगा 6000 ठीक है। Now, हम मान लेते हैं कि ऑनेस्टी के लिए लेट ऑनेस्टी के लिए वो रुपीज एक्स दे रहे हैं रेगुलरिटी के लिए रुपीज वाई दे रहे हैं और हार्डवर्क के लिए रुपीज जेड दे रहे हैं अवार्ड दे रहे हैं ना रुपीज में दे रहे हैं अवार्ड रुपीज 6000 टोटल अवार्ड बना हुआ तो मान लेते हैं कि रुपीज एक्स फॉर ऑनेस्टी रुपीज वाई फॉर रेगुलरिटी एंड रुपीज जेड फॉर हार्ड वर्क बी गिवन बाय द स्कूल टू इट्स स्टूडेंट्स ठीक है। नाउ अब इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अवार्ड दे रहे हैं तीनों के लिए एंड टोटल जो इन तीनों का है वो टोटल कितना टोटल कैश अवार्ड रुपीज 6000 तो पहले वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास ये भी रुपीज है ये भी रुपीज है टोटल हुआ 6000। अब यहां से सुनिए आगे क्या है थ्री टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क थ्री टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क थ्री टाइम्स कर दिया इसका एडेड टू इसको एड करेंगे गिवन फॉर ऑनेस्टी इसको एड करेंगे गिवन फॉर ऑनेस्टी जो ऑनेस्टी के लिए दिया गया है उसमें एक्स दिया गया है ऑनेस्टी के लिए तो एड कर दिया अमाउंट टू रुपीज 11000 ये बन गया 11000 रेगुलरिटी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टूगेदर एंड हार्ड वर्क टूगेदर टूगेदर का मतलब दोनों को ऐड करके ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क को ऐड करके इज मतलब इज इक्वल टू डबल द डबल हो जाएगा किसका गिवन फॉर रेगुलरिटी गिवन फॉर रेगुलरिटी समझ गए इक्वेशन बनने के बाद तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अभी क्या पूछ रहे हैं रिप्रेजेंट द अबोव सिचुएशन एल्जेब्रिकली ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यूज है अवार्ड मनी निकालनी है इनके लिए तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो अब नहीं आता है यहीं तक करना है ठीक है। तो हमें करना क्या है पहले इसको आप सिस्टमैटिक वे से लिख लीजिए सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस आर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया x प्लस में 3z इज इक्वल टू 11,000 एंड x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही कीजिए इसको जैसे करते हैं, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन इज जो हमारी बन जाएगी नाउ a x एंड b जो भी बनेगी उस अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, सेम वही प्रोसेसर है जो लास्ट क्वेश्चन का मैंने करवाया था, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टू फैक्ट्रीज डिसाइडेड टू अवार्ड देयर एम्प्लॉयज, दो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है टू अवार्ड देयर एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को अवार्ड देने का फॉर थ्री वैल्यूज, तीन वैल्यूज के लिए, जैसे ऑनेस्टी रेगुलरिटी हार्डवर्क था ऐसे ही तीन वैल्यूज ली गई। पहली वैल्यू है अडप्टेबल टू न्यू टेक्निक्स, अडप्टेबल टू न्यू टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है केयरफुल एंड अलर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड थर्ड वैल्यू है कीपिंग काम इन टेंस सिचुएशन, इन टेंस सिचुएशन। तो करना क्या आपको, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दो फैक्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज को अवार्ड देगी, किस किस बात के लिए, न्यू टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन में केयरफुल और अलर्ट रहते हैं अगर उनके एम्प्लॉयज, या फिर जो टेंस सिचुएशन आ जाती है इसमें कीपिंग कूल एंड काम रहते हैं, ठीक है ना, कीपिंग कूल एंड काम, तो इनके लिए वो क्या करेगी, अवार्ड देगी, ठीक है ना। अब कैसे कैसे देगी वो अवार्ड, एट द रेट ऑफ रुपीज एक्स, इसके लिए रुपीज एक्स, इसके लिए रुपीज वाई और इसके लिए रुपीज जेड, खुद ही इसने दे दिया कि इसके लिए रुपीज एक्स डालेगी, इसके लिए रुपीज वाई और इसके लिए रुपीज जेड पर पर्सन रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब हम इक्वेशंस बनाते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो टू फोर एंड थ्री एम्प्लॉयज को अवार्ड देगी, टू एम्प्लॉयज तो न्यू टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे उनको देगी, थ्री एम्प्लॉयज, फोर एम्प्लॉयज बोलेगी सेकेंड वाली कंडीशन के, और तीन एम्प्लॉयज वो उठाएगी इसके, और इसको पर पर्सन को एक्स, ध्यान से सुनिए, टू एम्प्लॉयज तो इसके उठाएगी, एक एम्प्लॉय को रुपीज एक्स देगी।